युद्ध के हालात से घिरे यूक्रेन में अभी लगभग 1800 स्टूडेंट फंसे हुए हैं। लेकिन आखिर इतने सारे स्टूडेंट यूक्रेन में कर क्या रहे हैं? तो इसका जवाब है मेडिकल की पढ़ाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हजारों की तादाद में इंडियन स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन ही क्यों जाते हैं? यूक्रेन में ऐसा क्या है जो भारत या दूसरे देश में नहीं मिल सकता? सबसे पहले आपको बता दें कि हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन क्यों जाते हैं? वैसे इसका जवाब काफ़ी आसान है। हमारे देश में MBBS के सीट्स काफ़ी कम है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम देते हैं, मगर उसमें से सफलता मात्र चंद हज़ार लोगों को ही मिल पाती है। बात करें तो साल 2021 में तकरीबन 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन सफलता उसमें से मात्र चंद हज़ार लोगों को ही मिली थी। बात करें तो इंडिया में सिर्फ 88,000 के अबाउट ही MBBS की सीट है, मतलब कि हर साल लगभग 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में वो यूक्रेन जैसे देशों का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भारत और अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में काफ़ी कम है। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में प्राइवेट कॉलेजेस से MBBS के पढ़ाई में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आता है, लेकिन यूक्रेन जैसे देश से MBBS करने में मात्र 25 लाख रुपए लगते हैं। यूक्रेन के कॉलेज में एडमिशन के लिए ना तो कोई डोनेशन देना पड़ता है और ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम, सीधे एडमिशन हो जाता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ से MBBS करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें FMGE मतलब कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्ज़ाम की परीक्षा देनी पड़ती है। अगर बीते 3 से 4 सालों की बात करें और उसका डाटा उठा के देखें तो फॉरेन से लौटे मात्र 25% छात्र ही इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाते हैं और इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि फिर भी इंडिया से इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स यूक्रेन MBBS करने के लिए क्यों जाते हैं? तो उसका सीधा सा जवाब है, वहाँ कम फीस में मेडिकल की एजुकेशंस और भारतीय स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज और बिना डोनेशंस के एडमिशन।